पुतिन ने युद्ध में अब ऐसे लड़ाकों को उतार दिया जो यूक्रेन के सैनिकों को जिंदा खा जाएंगे। पुतिन ने युद्ध में ऐसे सैनिकों को उतार दिया है जिसे देखकर ज़ेलेंस्की के सैनिक खौफ में भर गए हैं। ज़ेलेंस्की के सैनिक पुतिन के सोल्जर से इतना घबरा गए हैं कि वो डर कर भाग रहे हैं। यूक्रेन के सैनिकों को समझ में नहीं आ रहा कि गोली बारूद को तो चकमा दे दें लेकिन उससे कैसे बचें जो उन्हें जिंदा खाने को बेताब है। पुतिन ने युद्ध में ऐसे नरभक्षी उतार दिए हैं जो ज़ेलेंस्की के सैनिकों के खून का प्यासा है। इंसानों को मार कर खा जाना उसकी आदत है। वो पुतिन का बहुत वफादार है। उनके हर निशाने, हर हुक्म, हर आदेश पर वो ना सिर्फ जान कुर्बान कर सकता है बल्कि दुश्मन को कच्चा चबा कर खा सकता है। इसकी दरिंदगी से पुतिन इतने खुश हैं कि उन्होंने इस नरभक्षी को बहुत बड़ा इनाम देने का ऐलान किया है। कौन है ये नरभक्षी जिस पर पुतिन को इतना भरोसा है कि वो है तो रूस ये जंग हर हाल में जीतेगा। पुतिन के इस फौज के रहते ज़ेलेंस्की की हार तय है। इस नरभक्षी के कारनामों को देखने के बाद पुतिन अब आक्रामक हो गए हैं। पुतिन के इरादे और खतरनाक हो गए हैं। पुतिन के निशाने पर ज़ेलेंस्की का घर है। 1.5 साल से भी ज्यादा वक्त से चल रहे इस युद्ध को पुतिन अब जल्द खत्म करना चाहते हैं, वो भी अपने तरीके से। पुतिन को जीत चाहिए, वो भी हर कीमत पर। पुतिन को यूक्रेन के सैनिकों की हार देखनी है, वो भी हर हाल में। इसके लिए पुतिन ने जेल में बंद खूंखार कैदियों और नरभक्षी तक को युद्ध में धकेल दिया। ऐसे कैदी जिन पर बहुत गंभीर आरोप है। पुतिन अब उन सैनिकों की सजा भी कम कर रहे हैं जिन्होंने युद्ध लड़ा और पुतिन के मकसद को पूरा करने के लिए पूरा जोर लगा दिया। रूस का खूंखार अपराधी डेनिस गोरिन, जिसकी सजा को पुतिन ने खत्म करने का फैसला किया है। पुतिन ने डेनिस को माफ कर दिया। इतने खूंखार अपराधी को पुतिन का यह इनाम इसलिए मिला क्योंकि उसने पुतिन के एक आदेश पर यूक्रेन की सेना में ऐसी दहशत पैदा कर दी कि कई मोर्चों पर रूस ने बिना लड़े युद्ध जीत लिया। यूक्रेन की फौज ऐसे दरिंदों के बारे में सुनकर ही भाग खड़ी हुई। डेनिस गोरिन दरिंदा है, ये पुतिन को भी मालूम है। डेनिस गोरिन इंसानों को कच्चा खा जाता है, ये भी उनके कमांडरों को मालूम है। डेनिस गोरिन इंसान के मरने से पहले उसे खाना शुरू कर देता है, ये भी सब जानते हैं और इसी वजह से उसकी दहशत बहुत ज्यादा है। ऐसे खतरनाक अपराधी की सजा माफ करना कितना सही है, इस पर लंबी बहस हो रही है। लेकिन फिलहाल तो पुतिन को सिर्फ यूक्रेन चाहिए, चाहे वो डेनिस गोरिन गोली चलाकर उन्हें दे या फिर ज़ेलेंस्की की फौज को जिंदा खाकर उनका मोर्चा साफ कर दे। पुतिन की सेना में डेनिस की तरह कई अपराधियों को शामिल किया गया और अब इसका नतीजा सामने है। रिपोर्ट है कि पुतिन ने अपनी नई फौज में 35,000 से ज्यादा अपराधियों को शामिल किया। ब्रिटिश मीडिया का दावा है कि इन अपराधियों में हत्यारे भी हैं, बलात्कारी भी हैं और यहां तक कि नरभक्षियों को भी इस फौज में शामिल कर लिया गया है। रिपोर्ट के मुताबिक मॉस्को की तरफ से ऑर्डर आया कि अगर ये 6 महीने तक लड़ते रहेंगे तो रूस इनकी सजा माफ कर देगा या कहें कि इनको आगे की सजा से आजादी मिल जाएगी। डेनिस गोरिन भी यूक्रेन के खिलाफ जंग में लड़ा और घायल हो गया। फिलहाल उसका इलाज चल रहा है और अब पुतिन ने डेनिस गोरिन के युद्ध से खुश होकर उसकी सजा को माफ करने का फैसला किया है। रूस के इस फैसले पर पूरी दुनिया में सवाल उठ रहे हैं। खुद रूस के लोगों में इसको लेकर बहस हो रही है कि क्या ऐसे खूंखार अपराधी की सजा को माफ किया जा सकता है और इससे समाज में क्या संदेश जाएगा।
44 साल के डेनिस गोरिन को रूस की अदालतों में दो हत्याओं का दोषी ठहराया गया था। पहली बार डेनिस गोरिन ने 2002 में हत्या की और फिर मर्डर के बाद उसने उस व्यक्ति के अंगों को खाना शुरू कर दिया जिसकी उसने हत्या की थी। इस अपराध के लिए डेनिस गोरिन को रूस की अदालत ने 10 साल की सजा सुनाई, लेकिन अच्छे बर्ताव की वजह से डेनिस गोरिन को सजा पूरी होने से पहले ही छोड़ दिया ताकि वो अपनी बाकी की जिंदगी को बेहतर तरीके से गुजारेगा। लेकिन जेल से बाहर आते ही डेनिस ने फिर वही अपराध किया जिसके लिए उसे पहले सजा दी गई थी। इस बार डेनिस ने 36 साल के शख्स की हत्या कर दी और उसके अंगों को खा गया। रूस की अदालत में केस चला और ये साबित हो गया कि डेनिस गोरिन ने हत्या के बाद उस व्यक्ति के अंग काटकर अपने घर के फ्रिज में रखे और बाद में उसे खाया भी। इस केस में डेनिस गोरिन को 2017 में फिर से सजा सुनाई गई, लेकिन जब प्रिगोजिन ने रूस के कैदियों की फौज बनाई ताकि यूक्रेन में युद्ध लड़ सके, तब डेनिस गोरिन को भी उसमें शामिल कर लिया गया। अब पश्चिमी मीडिया की रिपोर्ट है कि डेनिस गोरिन के युद्ध की तारीफ करते हुए पुतिन ने उसके गंभीर अपराध को माफ करने का फैसला किया है। इस तरह के अपराधियों के भर्ती के वीडियो पूरी दुनिया में वायरल हुए थे। इन खूंखार अपराधियों को युद्ध में भर्ती करने का जिम्मा पुतिन ने अपने बहुत खास येवगेनी प्रिगोजिन को दिया था। वैगनर चीफ प्रिगोजिन की प्लेन क्रैश में मौत हो चुकी है। अपने आखिरी वक्त में प्रिगोजिन पुतिन से बागी हो गया था और उसकी वैगनर आर्मी टैंक के साथ रूस के शहरों पर चढ़ाई को तैयार थी। कहा जाता है कि बागी होने की वजह से उसको बड़ी सजा मिली। हालांकि ये पता नहीं चल पाया कि विमान हादसे का शिकार हुआ या उसे खत्म कर दिया गया। आपको उस वक्त का वीडियो दिखाते हैं जब अपराधियों की भर्ती के वक्त प्रिगोजिन ने बहुत डराने वाली बात बताई थी। Те, кто пройдут собеседование и после этого решат, что есть сомнения, то не нужно ехать. Нам нужны только те, кто уверен в себе, что он хочет воевать. Ему это нравится, ему это нужно. Его форма позволяет. यूक्रेन युद्ध को लेकर पुतिन बहुत ज्यादा दबाव में है, इसमें कोई शक नहीं, और रूस की सेना नई भर्ती भी लगातार कर रही है। लेकिन 1.5 महीने में युद्ध जीतने का ख्वाब देखने वाले पुतिन को 2 साल का वक्त होने चला है और यूक्रेन पर पूरी जीत अब तक नसीब नहीं हो पाई है। उल्टा कई जगहों पर उसे यूक्रेन की सेना से या तो हार का सामना करना पड़ा है या तो ज़ेलेंस्की की आर्मी से कड़ी टक्कर मिल रही है। लिहाजा अब पुतिन की सेना नरभक्षियों से उम्मीद लगा बैठी है। इस जंग में रूस को बड़ी तादाद में सैनिकों का नुकसान हुआ है। यूक्रेन का दावा है कि जंग में अब तक रूस के 3,25,000 से ज्यादा सैनिकों को उनकी सेना ने मार दिया है। रूस के 5,525 टैंक को फोड़ दिया है। करीब 10,300 बख्तरबंद गाड़ी बर्बाद हो चुकी है। 6,000 के करीब ड्रोन को मार गिराया है। इसमें ईरान का शाहिद ड्रोन भी है। ये वही ड्रोन है जिससे रूस ने कीव पर हमला किया है। 7,850 आर्टिलरी को बेकार कर दिया है। 600 के करीब एयर डिफेंस सिस्टम को खत्म कर दिया है। 323 मिलिट्री जेट और 324 हेलीकॉप्टर को मार गिराया है। 1,565 क्रूज मिसाइल को बेकार कर दिया है। इस वक्त यूक्रेन के जिन फ्रंट पर लड़ाई चल रही है वहां मुकाबला बिल्कुल आमने सामने का है। जंगलों के बीच लड़ाई चल रही है। खाली हो चुके रिहायशी इलाकों में गोलीबारी हो रही है। दोनों तरफ के सैनिक एक दूसरे के खून के दुश्मन बन चुके हैं और मौत से कम कुछ नहीं चाहिए। इसी एजेंडे पर ज़ेलेंस्की और पुतिन दोनों की फौज काम कर रही है। इस जंग में पुतिन हर हाल में जीत पक्की करना चाहते हैं और किसी भी सूरत में हार का मुंह ना देखना पड़े, इसलिए रूस के सैनिकों को लगातार ट्रेनिंग दी जा रही है। पुतिन ने नई भर्ती को अब रूस के सम्मान से जोड़ दिया है और वो रूस की जनता को इसी बुनियाद पर एकजुट कर रहे हैं कि अब वो पूरी तरह नरभक्षी वाले फौजियों पर निर्भर नजर आ रहे हैं।